नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। टाटा अल्ट्रोज एक काफ़ी सेफ और स्टेबल प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की कार है जो i20, अमेज, स्विफ्ट जैसी कार से कम्पीट करती है। ये सभी गाड़ियाँ रोड से काफ़ी चिपक कर चलती हैं और अभी तक हमने एक या दो ही एक्सीडेंट चैनल पर देखे हैं जहाँ टाटा अल्ट्रोज i20 स्विफ्ट जैसी कार पलट गई हूँ। पर रिसेंटली चैनल पर मिस्टर गौतम पंडित ने एक ऐसा ही एक्सीडेंट शेयर किया जहाँ टाटा अल्ट्रोज को एक पर्सन ने पलटा दिया। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल पर एक्सीडेंट के डिटेल्स भेज सकते हैं। एज पर मिस्टर गौतम, यहाँ रोड वाइडनिंग का काम चल रहा था और टाटा अल्ट्रोज के ड्राइवर काफ़ी नए थे जिन्हें कार सीखे हुए 4 महीने ही हुए थे और उन्होंने यहाँ एक गाड़ी को ओवरटेक करना चाहा, पर सामने से कुछ आधा देख स्टीयरिंग मोड़ते हुए गाड़ी काटनी चाहिए और सेम लेन में वापस आना चाहिए, जिस समय शायद कार के टायर्स के आसपास कुछ आ गया और गाड़ी 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अनकंट्रोल्ड होकर पलट गई। लोकल लोगों ने तुरंत ही गाड़ी को सीधा किया और अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स सेफ थे। मिस्टर गौतम ने यह भी बताया कि यहाँ कुछ माइनर कॉस्मेटिक डैमेजेस कार में थी, बाकी पिलर्स, छत ने पूरा वेट यहाँ काफ़ी अच्छे से लिया जो कार की एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी दिखाता है। देखना अपने पे आए। चलो भाई परण होटल जरा। हेलो हेलो। उधर है सबसे पहले हमारा सावधानी से कार चलाना ज़रूरी है और पहाड़ों पर ओवरटेक करने की जल्दी कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही मोड़ों पर कम से कम स्पीड पर कार चलानी चाहिए। अब इस केस में टाटा अल्ट्रोज को ड्राइवर ने कैसे पलटा दिया ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हैचबैक या सेडान्स को पलटाना थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी एक्सीडेंट में, पर ड्राइवर को रिस्की ओवरटेक ना करने का सबक यहाँ मिला होगा और आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। पर एक सेफ कार ने उन्हें यह मौका दिया कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करें जो शायद एक अनसेफ कार ना दे पाती। साथ ही मैन्युफैक्चरर्स को धीरे धीरे ESP, रोल ओवर मिटिगेशन जैसे सेफ्टी फीचर्स भी कार में देना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स कम करे जा सके। जैसे ABS, EBD अब ऑलमोस्ट हर कार में कॉमन हो चुका है, धीरे धीरे ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स भी कार में देना जरूरी है। तो होप आप भी पहाड़ों पर रिस्की ओवरटेक्स या ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि नतीजा आपके सामने है। टाटा अल्ट्रोज जैसी कार भी ऐसे केसेस में पलट सकती है। सो ड्राइव केयरफुली, बी सेफ एंड वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।